हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एम्ब्रॉयडरी। इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ब्रोकन चैन स्टिच। इस मोटिफ में जो ये ग्रीन कलर की लाइंस हैं, ये है ब्रोकन चैन स्टिच। आइए देखिए इसको किया कैसे जाता है। ये हमने कपड़े से धागे को इस तरह से निकाला है। के पास से ही लेके टाके को कपड़े में सुई को अंदर डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। इसको आप चैन स्टिच को इस तरीके से भी ले सकते हैं। अभी हम लूप इस तरह से बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड की थंब से हम इसको होल्ड करते हैं, लूप बनाते हैं और फिर इस तरीके से हम इस चैन इस टाके को बनाते हैं। आप इसको अपोजिट साइड में भी ले सकते हैं इस तरीके से। ऐसे पहले हमने लूप इस तरीके से बनाया था, अब हम इस तरीके से बना रहे हैं। इधर से लिया, इसके पहले हम राइट साइड जा रहे थे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। इस तरीके से थंब से होल्ड करेंगे, ये लूप बनाया। इस तरीके से ये लास्ट लूप है, ये लास्ट टाका हमने लिया। और ये इधर से हमने इसको अंदर से डाल दिया। ये इस तरीके से इस टाके को ख़त्म किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब इससे एक और हम लोग किस तरीके से और इसको यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। ये मोटिफ है, ये ब्रोकन चैन स्टिच से ही बनाया गया है। इसमें क्या कैसे बनाया गया है, ये एक पहले एक तरफ से लाइन की गई है इस तरीके से, फिर दोबारा ये लाइन की गई है इस साइड से। पहले ये लाइन की गई है फिर ये, तो ये आप देख सकते हैं। इसको आप कहीं पर भी बना सकते हैं, आप इसको नेक पे बना सकते हैं, या आप कोई कुशन कवर या आप पिलो पे आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी को मैं बेसिकली वहाँ यूज़ करती हूँ जहाँ पर लाइन को लेके मुझे कुछ डिज़ाइन बनाना होता है। जैसे ये है, ये एक है मोटिव, तो ये टॉप है, सिंपल टॉप है। इसमें योक है, योक के नीचे ये लाइन्स दी हुई हैं ब्रोकन चैन से। ये है एक डिज़ाइन, आप ये इस शेप में है, डायमंड शेप में। आप स्क्वायर भी कर सकते हैं,
आप चाहें तो ऐसे राउंड शेप सर्कल बना के कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा सरफेस पे डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कुर्ती, कुर्ती के बीच में आपने पैनल दिया, ये ना देखिए जैसे ये डिज़ाइन है, आप इसके यहाँ पर इस डिज़ाइन को यहाँ पर दे सकते हैं, या पूरा ड्रेस है वो कहीं पर मत दीजिए, आप इसके बॉर्डर पे दे दीजिए, इतना पूरा यहाँ तक आप बना सकते हैं इसको। तो इस तरीके बेसिकली ये वाला जो मोटिव, ये वाली जो स्टिच है मैं यूज़ करती हूँ जहाँ पर हम लोग को, मेरे को लाइंस को लेके कोई डिज़ाइन बनाना होता है। बाकी आप अपना कुछ आइडिया अगर है तो आप मुझे, मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये स्टिच अगर आपको नहीं समझ में आई या कुछ और आप इसमें जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, थैंक यू सो मच।